हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्लीज टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 30। वाइस ग्रैंड मदर। वाइस ग्रैंड मदर का मीनिंग क्या होता है? चतुर दादी माँ। चलो मैं आज आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सिखाती हूँ, है ना, सुनाती हूँ, और वो आप ध्यान से सुना, बड़ा मजा आएगा। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार एक लैम्ब उसकी दादी को देखने जा रहा था। वन ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मीट ए वॉल्फ। उसी टाइम रास्ते में उसको कौन मिला? वॉल्फ। वॉल्फ यानी भेड़िया। आई एम गोइंग टू ईट यू, उसने बोला भेड़िए ने कि मैं तुझे खा जाऊंगा। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। फिर उसने क्या बोला? प्लीज़ मुझे जाने दो। ये जो था ना लैम, घेटे का बच्चा, शीप का बच्चा लैम, उसने बोला भेड़िए को कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं मुझे मेरे दादी दादी को मिलने जाना है, और जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। ओके यू मे गो, तो भेड़िए ने बोला ओके तुम जा सकते हो। वैन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ। जब वो वापिस आया तब लैम ने उसकी ग्रैंड मदर को ये सारी वॉल्फ की बात सुनाई। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, दादी माँ ने उसको एक आइडिया बताया, एक आइडिया सुनाया। गो एंड हाइड योरसेल्फ इन ए ढोलक, उस दादी माँ ने बोला कि तुम अपने आप को ये ढोलक में छुपा लो। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया, वो ढोलक में छुप गया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। फिर दादी माँ ने ढोलक को क्या किया? धक्का दिया। धक्का दिया तो वो ढोलक क्या हुआ? रोलिंग डाउन करने लगा, यानी ढोलक रोल रोल गोल 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 होके नीचे जाने लगा। द लैम्ब शो द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। उसी टाइम पे लैम्ब था ना, लैम्ब, उस लैम्ब ने देखा कि वॉल्फ तो उसका वेट कर रहा है। डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे, उसने ढोलक को पूछा क्या तूने किसी लैम्ब को देखा इसी रास्ते पे जाते हुए? तो उसने ढोलक ने बोला नो। द वॉल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। पर भेड़िए को तो एक डाउट गया, उसको लगा कि ये ढोलक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो भेड़िया तो ढोलक के पीछे पीछे जाने लगा, उसके पीछे दौड़ने लगा। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड अ होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम, यानी कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, उसके पहले ही लैम कहाँ पे पहुँच गए? उसके घर में पहुँच गए, होम, एंड वॉज थैंकफुल। और उसकी दादी माँ का आइडिया उसे बहुत पसंद आया और वो सेफ हो गया। मज़ा आया ना स्टूडेंट्स स्टोरी सुनने में? आपको ये एक बार रीड करनी है। ओके नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज, यानी कि यहाँ शेप्स दिए गए ट्राइंगल के अलग अलग, तो हमें सामने उसके सामने शेप उसी के साइज़ के मैच करने हैं। ये ट्राइंगल है तो उसके साइज़ का सेम शेप हम यहाँ पे मैच करेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे ये ट्राइंगल है तो उसके साइज़ का ये वाला शेप यहाँ पे जाएगा। ओके थर्ड नंबर में ये बड़ा वाला ट्राइंगल है तो उसके साथ क्या मैच होगा? ये वाला ट्राइंगल उसके साथ मैच होगा। फोर्थ नंबर में थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ट्राइंगल है तो वो उसके साथ मैच होगा, मीडियम साइज़ के ट्राइंगल के साथ मैच होगा। फिर लास्ट में बहुत ही स्मॉल साइज़ का ट्राइंगल है तो वो कहाँ पे मैच होगा? सबसे ऊपर ये ट्राइंगल के साथ मैच होगा। ओके आपको ये पेज कॉपी करना है, समझ के कॉपी करना है। ओके मैच द सेम शेप्स, यहाँ पे राउंड, स्पेयर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, हेक्सागॉन, फिर ये भी शेप है। ये सारे शेप आपको सामने, उसके सामने सेम शेप दिए, उसके सामने मैच करना है। जैसे कि ये स्पीयर है तो स्पीयर के सामने हम स्पीयर का शेप लेंगे, फिर ये शेप है तो उसके सामने हम उसके जैसा ही सेम शेप लेंगे, फिर ये ट्राइंगल शेप है तो उसके सामने हम ट्राइंगल का शेप लेंगे। समझ आ रहा है? फिर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सामने रेक्टेंगल, सेमी सर्कल के सामने सेमी सर्कल, और हेक्सागन के सामने हेक्सागन शेप लेंगे। ओके आपको ये सेम आपकी नोट टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है।
कलर द स्मॉलेस्ट शेप, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, यानी यहाँ पे तीन शेप दिए, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट शेप है उसमें आपको कलर करना है, यहाँ पे सबसे स्मॉल स्क्वायर है तो उसमें कलर करना है। फिर स्पेयर, तीन स्पेयर दिए, स्मॉलेस्ट, मीडियम और बिगेस्ट, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, तो उसमें कलर करना है आपको। फिर तीन ट्राइंगल दिए, ट्राइंगल बड़ा है, मीडियम साइज़ का और बहुत ही स्मॉल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट में कलर करना है। फिर हेक्सागॉन है, हेक्सागॉन में बहुत ही बड़ा बिगेस्ट है, बिग है, फिर मीडियम साइज़ का है, स्मॉलेस्ट है, यानी स्मॉल है, तो हमें यहाँ पे कलर करना है। ओके, लर्न एंड कॉपी इन योर टेक्स्ट बुक, ये पेज में सारे शेप्स दिए, जॉइन द सिमिलर शेप्स, यहाँ पे ट्राइंगल है तो हम उसको ट्राइंगल के शेप के साथ मैच करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप के साथ मैच करेंगे, फिर यहाँ पे स्पीयर, राउंड, सर्कल जैसा है तो सेम उसके शेप के साथ मैच करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेंडर है तो सिलेंडर शेप के साथ मैच करेंगे। ओके, आपको भी ये बुक में कॉपी करना है, ओके, समझ के कॉपी करना है। नाउ ओवर।